मार्केट जैसी परफेक्ट मूंगफली की चिक्की जो बहुत ही खस्ता बनेंगी, ना ही तो चिपचिपी बनती है, ना ही तो ज्यादा हार्ड। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली और गुड़ की चिक्की जो बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस तरह की परफेक्ट रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन होता है उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए। और इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा रेसिपी को शेयर भी करिए। तो सिंगदाना चिक्की यानी के मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली ली है 1 कप, जिसके मैंने छिलके निकाल दिए हैं। और जितनी मूंगफली ली है हमने यहाँ पर उतना ही हमें चाहिए गुड़। इसके बाद में हमें यहाँ पर चाहिए 1 टीस्पून घी और थोड़ा सा पानी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैन रख देते हैं गैस पर। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन ली है, आप किसी भी पैन में इसे बना सकते हैं। अब फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून घी। घी ऐड करना ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि हमारी जो सिंगदाना चिक्की है उसमें एक ग्लेज आ जाएगा और आपकी जो चिक्की है बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगी, अच्छे से सॉफ्ट बनेंगी, मतलब खस्ता बनेगी। अब हमें क्या करना है कि गुड़ को कंटिन्यू चलाते हुए इसको मेल्ट कर लेना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो जस्ट मैंने 1/2 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अब इसे चलाते हैं। अब जब तक के जो गुड़ है मेल्ट होता है, एक थाली ली है मैंने बड़ी सी और इसे उल्टा करके इस तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमें जो सिंगदाना चिक्की है उसे इस थाली पर सेट करना है। तो अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेते हैं और साथ ही साथ जो गुड़ है उसे भी चलाते रहेंगे। तो देखिए गाइस, हमने गुड़ को मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट कर लिया है और अब इसमें झाग सा बनने लग गया है। तो अब हमें इसको चेक करना है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी मूंगफली गुड़ की जो चिक्की है एक तो ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है या फिर बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए ज़रूरी है गुड़ की परफेक्ट चाशनी का होना। तो अब चाशनी परफेक्ट कैसी होती है, इसे कैसे चेक किया जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पानी लिया है मैंने एक बाउल में और थोड़ा सा सिरप मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अगर हम इसे इस तरह से उंगली पर उठाएंगे और आपकी ये जो चाशनी इस तरह से खींचती है, मतलब चिपचिपी रहती है, तो इसका मतलब अभी ये परफेक्ट तैयार नहीं है। तो हमें गुड़ की चाशनी को और पकाना है। तो देखिए, थोड़ी देर कुक करने के बाद अब फिर से हम इसे चेक करेंगे। ये बहुत ही फ्रॉदी हो गई है, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा झाग सा बन गया है। तो शायद अब ये बन गई होगी। तो फ्लेम मैंने एकदम लो कर दी है और थोड़ा सा सिरप यानी कि चाशनी मैं पानी में डालकर चेक करती हूँ। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और हाथों पर उठाएंगे तो ये टूटनी चाहिए, लेकिन देखिए अभी भी ये इस तरह से खींच रही है। सो देखिए गाइस, इसे फिर से थोड़ा सा कुक करने के बाद अब हम चेक करते हैं। तो अब जो चाशनी है परफेक्टली तैयार हो गई है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। पानी में डालने के बाद मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। जब हम इस चाशनी को पानी में डालते हैं तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसकी आवाज़ होनी चाहिए, मतलब ये जो चाशनी है हार्ड होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं भुनी हुई मूंगफली, जिसके छिलके निकालकर हमने इसके जो 2 भाग होते हैं इसे अलग अलग कर लिया था। और अब इसे कंटिन्यू इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करेंगे। गैस फ्लेम मैंने बंद की हुई है। तो इसे मिक्सअप करते समय आप देख रहे होंगे कि इसके जो तार निकल रहे हैं, तो ये लक्षण है कि हमारी चाशनी परफेक्ट बनी है। चलिए अब हम इस मिश्रण को निकाल लेते हैं ग्रीस की हुई थाली के ऊपर। तो अब हमें इसे सिंगदाने के सिंगल लेयर में बेलना है।
तो बेलन को मैंने अच्छे से घी लगाकर ग्रीस कर लिया है ताकि मिश्रण जो है बेलन पर चिपक न जाए। और अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा केयरफुली हाथों से इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए और बेलन से इस तरह से बेल लीजिए। तो सिंगदाना जो है इसकी एक पतली लेयर में हमें इसे बेलना है इस तरह से। अब देखिए इसे बेलते समय हमें क्या करना है कि हाथों से इस तरह से स्क्वायर शेप देते हुए इसे बेलते जाना है क्योंकि हम मूंगफली की चिक्की स्क्वायर साइज में काटने वाले हैं। अब देखिए गाइस इसे बेलने के तुरंत बाद हमें फटाफट इसे ठंडा होने से पहले चाकू या कटर का यूज करते हुए इसके कट्स लगाने हैं। अगर ये पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो आप इसे स्क्वायर पीसेस में नहीं काट पाएंगे। इसके जो साइड एजेस हैं इसे निकाल देते हैं। तो इसके किनारे हमने काट दिए हैं ताकि अच्छा सा स्क्वायर शेप आ जाए। तो देखिए गाइस पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद में आपकी जो सिंगदाना मूंगफली या पीनट चिक्की है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट खस्ता बनी है, ना ही तो चिपचिपी है ना ही तो ज्यादा हार्ड बनी है। मैं जो साइड एजेस है इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी इजीली टूट रही है। तो आप सिंगदाना चिक्की को जरूर ट्राई करिए और आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर शेयर करके इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो हफ्तों तक चलने वाली मूंगफली गुड़ की चिक्की की रेसिपी को खुद भी ट्राई करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। सो गाइज इस तरह की परफेक्ट और इंटरेस्टिंग रेसिपी सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।